कोटखादा में हुए सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का धरना जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी धरना पहुंचे। पायलट ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की तथा उन्हें ढांढस बताया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माहौल बिगड़ता देख मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभाली और बेकाबू लोगों की भीड़ को खदेड़ा। फिलहाल मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर मौजूद है और पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी है। हालात देखकर सचिन पायलट व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी वापस रवाना हो गए। पायलट साहब आए थे, क्या कह के गए? पायलट साहब ने कहा था कि आपको जो है सेम डे चेक दिया जाएगा और जो भी आपकी मांगे हैं वो सब मंजूर करी जाएंगी। बच्चों को पढ़ाई की सुविधा लिखित में ये रिकॉर्ड दे दिया जाएगा और उनको आवास की सहायता जो आपने मांगी है वो दी जाएगी और मुलजिम की गिरफ्तारी है वो आपकी FRI की कॉपी तुम्हारे हाथ में आते ही वो करवा दी जाएगी। कब तक होगा इन मामलों में? अब इन मामलों में मुझे तो पायलट साहब ने कहा था कि आप तहसील में आ जाओ और वहाँ 5 आदमी आकर के बात करो। अब मैं देख रहा हूँ वो तहसील में बैठे हैं या निकल गए, वो मैं जाकर के देखूंगा। और कौन था पायलट साहब के साथ? पायलट के साहब के साथ सोलंकी साहब थे और एक और क्या नाम था उनका, वो थे। क्या अभी मौके पे कुछ विशेष कोई बात कही गई आप? और कोई बात नहीं पायलट साहब, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये आश्वासन देकर के सहायता के लिए कहा है, सेम डे चेक देने के लिए कहा है मृतकों का। सेम डे का मतलब अभी आज अभी तहसील में आओ और आप चेक हाथ में ले लेना। क्या उसके बाद में आप बॉडी उठा लेंगे मौके से? नहीं, जैसे हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी तब उठा लेंगे। हमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारी मांगे चाहिए, हमें सहायता चाहिए। आप क्या है? मैं उनका रिश्तेदारी नाते में। क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र बंजारा है। कहाँ से होगी? मैं अलवर जिले से, गांव ढगड़गा है। कितने लोगों की डेथ होगी आपके? हमारे यहाँ चार लोगों की डेथ। एक हॉस्पिटल में भर्ती है। एक हॉस्पिटल में।